मैं तुम्हारी और दानिश की शादी की बात कर रही हूँ। करोगी मेरे बेटे से शादी? सब खैरियत तो है ना? आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया, मैं समझी खुदा ना खासा दानिश के साथ कुछ हो गया। बेटा, इसी मसले के हल के लिए तो तुम्हें बुलाया है। आंटी, उसे पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खामखा में मैं एम्बेरस हो जाती हूँ। मैंने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचा है। मतलब क्या मतलब? ये कि मैं तुम्हारी और दानिश की शादी की बात कर रही हूँ। करोगी मेरे बेटे से शादी? I don't know what to say. आंटी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तो आप सोच लो, सोचने में कौन सा टाइम लगता है। देखो, तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबल हो, अच्छी दोस्त हो, एक अच्छी शादी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है? सोचो बेटा। आंटी, मैं अगर सोच भी लूं तो दानिश ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो फिजा को पसंद करता है। इनफैक्ट वो फिजा से मोहब्बत करता है। व्हाट? मोहब्बत? कम ऑन शुमायरा, वो इस वक्त इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो शायद इसलिए ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो वाकई फिजा से मोहब्बत कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, नेवर। हाँ, ये एक वक्ती अटैचमेंट जरूर हो सकती है, क्योंकि उसने इतना अरसा उसके साथ गुजारा है, तो हो सकता है कि वो यूज टू हो गया था। लेकिन बेटा, हाँ, अगर तुम उसकी जिंदगी में आ जाती हो, तुम उसे शादी के लिए हाँ कर देती हो, तो वो इस फेज से निकल सकता है। बेटा देखो, तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से उसे कोई नहीं जानता। तुम उसे इस फेज से निकाल सकती हो। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, सोचो इस बारे में अच्छी तरह से। बस मैं चाहती हूं कि तुम्हारा जवाब हाँ में हो। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।